हेलो एवरीवन, साइमन दिस सर। आज हम बात करेंगे कि जब भी आपको वाया एयर शिपमेंट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए ताकि आपको कम से कम कॉस्ट लगे जब भी आपको एयर शिपमेंट करना हो। अब इसमें दो चीज़ें आती है। सबसे पहला था आपको कि आपका कितना प्रोडक्ट का वॉल्यूम है। अगर आपको छोटा कंसाइनमेंट तो आप उसको कुरियर के थ्रू करोगे, अगर नहीं है उससे ज़्यादा है तो आपको करना है कि एयर कार्गो। अब एयर कार्गो में भी चार टाइप्स है। देखिए, सबसे पहला आता है एक्सप्रेस आता है, उसके बाद स्टैंडर्ड आता है, थर्ड आता है आपका डेफर्ड हो गया, और फोर्थ आता है चार्टर। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम अपने CHA से कोटेशन लेते हैं कि हाँ इस ये फ्लाइट इसी दिन पे है और इतना कोटेशन रखता है। हम तीन चार लोगों से बात करते हैं, बट आपको खुद को एजुकेट करना पड़ेगा कि ये सर्विसेज लेने के बाद इतना इतना एक्सपेंसेस आता है। तो आपको बायर के साथ कम्युनिकेट जब करोगे ना, उनको ये चीज़ें बताओगे, और उनको बताने के अलावा आप खुद ही पहले ये चीज़ें समझ लो ताकि आपका एक्सपेंसेस बचे। अब जब भी आपको एयर कार्गो करना पड़ता है तो सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सप्रेस सर्विसेज उनकी, एयरलाइन की। एक्सप्रेस में क्या होता है, सबसे फास्ट मतलब गिवन टाइम में आपका कंसाइनमेंट वहाँ पे पहुँचेगा ही पहुँचेगा, और सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव में आता है क्योंकि ये एक्सप्रेस में है ना, मतलब इसकी कॉस्ट हायर साइड पे रहेगा, गिवन टाइम पे दिया जाएगा। तो एक ये सर्विसेज होती है। सेकेंड आता है आपका स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वो सर्विसेज है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, डेली बेसिस पे यूज करते लोग। और इसका कैसा होता है, मैक्सिमम टाइम ये हो सकता है कि एक से दो मल्टीपल स्टॉपेज पे आपका एयरलाइन रुक सकता है, ठीक है। अदरवाइज एक एयरलाइन ने आपसे पिक किया और बाकी पता चले बाद में जाके दूसरे एयरलाइन से वो कंसाइनमेंट कहीं और पे पहुंच रहा है। तो एक ये पॉइंट होता है जिसमें स्टैंडर्ड में होता है कि मल्टीपल स्टॉप हो सकते हैं, मल्टीपल एयरलाइंस हो सकती हैं, और एक मोर मतलब कॉमन सर्विसेज है जो आपको यूज़ करता है। थर्ड आता है डेफर्ड। डेफर्ड उन लोगों के लिए है जिनका प्रोडक्ट एक हायर प्रायोरिटी साइड पे नहीं जाता है, मतलब ऐसा कुछ आपका प्रोडक्ट हो जहाँ पे आपको कोई जल्दबाजी नहीं है कि आज के आज है तो कल के कल पहुँचने पहुँचने। कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे मतलब मैं नॉन पेरिशेबल के आइटम की बात कर रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसमें आपका सबसे ज़्यादा पैसा बचेगा। रीज़न क्योंकि इसमें कैसे बुकिंग होते, काइंड ऑफ जब स्पेस अवेलेबल हो तब आप बोलोगे कि ठीक है आप इस दिन पे आप लेके जाओ, स्पेस अवेलेबल के ऊपर है। और इसमें बेस्ट कॉल कॉस्ट सेविंग का कॉन्सेप्ट आता है। रीजन बिंग क्योंकि इसमें आपको टाइम पीरियड गिवन नहीं होता है, इट विल टेक डिपेंडिंग ऑन एयरलाइन, और ये डिपेंड करता है कि मेजोरिटी टाइम मल्टीपल स्टॉप्स पर रुक सकता है, मल्टीपल एयरलाइंस चेंज हो सकता है। तो डेफर्ड में यह है कि डिले होगा बट आपका कॉस्ट बच जाएगा। एक होता है फोर्थ पॉइंट आता है चार्टर। चार्टर में क्या होता है कि आपने देखा होगा ना चार्टर प्लेन्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग, अभी भी बोल रहा हूँ। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के बारे में सोचना है, आपने किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट किया, वहाँ से आपको और कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो बाहर से कोऑर्डिनेट करो या तो आप खुद बताओ। तो चार्टर आपने देखो ना, चार्टर प्लेन्स होते हैं जो प्राइवेटली बेसिस पे आपको एक गुड्स लेके जा सकते हैं, सो दिस इज कॉल्ड चार्टर। अब इसके अलावा सेकेंड आता है आपका कि बाय कुरियर। बाय कुरियर में भी आपको DHL, FedEx और UPS मिल जाएगा। तो ये कब काम आता है कि जब आपका कंसाइनमेंट 45 kg का नीचे हो, 45 kg का नीचे, तब जाके आपको इनका यूज़ करना है। इसमें भी बहुत ऐसी चीज़ें कि जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो सामने वाली पार्टी को, आपका जितना भी इम्पोर्टर होगा उसको एक सर्टन अमाउंट के नीचे अगर आप एक्सपोर्ट करोगे वाया कुरियर तो उसको इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं भरनी पड़ती है, ट्रेड एग्रीमेंट हो या ना हो। एक इम्पोर्ट ड्यूटी का है या आने वाले किसी वीडियो पे बना दूंगा। आई होप आपको छोटा सा कुछ नया समझ आया होगा। कुछ भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में जानना है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का 1-to-1 सेशन होता है, सो यू कैन ज्वाइन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।